हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपसे मैंने आप लोगों के हालचाल तो पूछ लिए। अच्छा सर, सॉरी, आपके परिवार के हालचाल नहीं पूछ पाया मैं। और आपके परिवार के लोग ठीक हैं? वेरी गुड। आशा है बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, और भगवान जी से यही आशीर्वाद है कि आप सभी लोग अच्छे रहें, उन्नति करें, हमेशा प्रगति के पथ पर हमेशा चलते रहें। ठीक दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए NCERT की 9th क्लास की मैथ की बुक का बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवा दी। ठीक दोस्तों, अब ऐसा है ना, एक्सरसाइज 2.4 में का पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। थोड़ी मेरी सिंपल वीडियो रहती है दोस्तों, बस मेरा पढ़ाने का, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरा तो कोई तुम पूरा इंटरेस्ट लेंगे मेरे वीडियो में। ठीक है, और सिंपल वीडियो डालता हूँ, कोई थंबनेल कोई लगाता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ साहब। क्यों? मुझे अपना पढ़ाने भरोसा है कि बस आपको समझ में आए अगर आप देखते हैं उसे। ठीक, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर पहला बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से जो बहुपद दिए हैं, पॉलिनोमियल दिए हैं यानी PX, किस बहुपद का एक गुणनखंड X+1 है? किस बहुपद का एक गुणनखंड एक ही है? चार चार ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन चारों में से ऐसा कौन सा एक बहुपद है जिनका गुणनखंड क्या है? X+1 है। अब X+1 है तो देखिए, जो बहुपद दिया है पॉलिनोमियल, अगर ये जीरो आ जाता सॉल्व करने पे, इसकी इक्वेशंस समीकरण सॉल्व करने पे जीरो आ जाता है तो बहुपद है, और जीरो नहीं आता तो बहुपद नहीं है। चारों हमें सॉल्व करके देखना पड़ेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट आंसर PX, PX इज इक्वल टू, इन्होंने क्या दिया है? X³ + X² + X² + X और + 1। ठीक, देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन जो दिया है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का वन इक्वल के अंदर गया -1, यानी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली -1। ठीक, एनी प्रॉब्लम? एक्स इक्वल टू -1। अब एक्स की वैल्यू हम बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में क्या कर दें? फीड कर देंगे, यानी रख देंगे। ठीक है, तो पी, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, पी, ठीक, बहु एक्स क्या है? -1 -1 इक्वल X³ यानी -1 का क्यूब प्लस X² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स यानी -1 प्लस 1। ठीक, अब देखिए -1 का क्यूब, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर माइनस के पावर में यानी होल में सम संख्या लगी है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, और विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7 तो हमेशा वो माइनस में ही आएगा। बस तो -1 की पावर 3 यानी विषम संख्या तो -1। ठीक, -1। अब देखिए प्लस और -1 का सम संख्या है तो प्लस आएगा, अगर माइनस के ऊपर सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस में साइन आ जाएगा, प्लस में हो गया जी +1 और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस और प्लस प्लस, ठीक, 1 और प्लस माइनस, -1
और प्लस वन। ठीक, देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, फिर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, बराबर क्या जीरो। यानी जब जीरो आ गया तो ये तो एक्स प्लस वन क्या है, एक बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख दीजिए एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहे हैं ये एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। ठीक, फिर वही कंडीशन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू जो हमारे पी एक्स दिया है, क्या सॉरी पी एक्स मैं नहीं लिख पाया, सेकेंड पार्ट इसका पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू जो दिया है इन्होंने इक्वल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर, इसमें फिट कर देंगे एक्स की वैल्यू। ठीक, देखिए इधर स्पेस कम है पी एक्स यानी कि पी एक्स एक्स माइनस वन, पी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स फोर यानी कि माइनस वन का फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स यानी माइनस वन, क्या माइनस वन माइनस वन और प्लस वन। ठीक, प्लस वन सॉल्व कर लीजिए इसे दोस्तों, भाई सम संख्या है पावर में तो क्या आ जाए प्लस वन बन जाएगा यानी वन, विषम संख्या है तीन है तो माइनस रहेगा और माइनस प्लस माइनस वन, सम संख्या है माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और प्लस 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 वन। भाई बन गया स्क्वायर हमेशा बन, वन की कोई भी पावर हो एक कितनी भी पावर हो हमेशा बनी रहेगी, और प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। ठीक भाई, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन बचा, क्या प्लस वन बचा, तो वन नॉट इक्वल जीरो यानी वन इक्वल के जीरो नहीं है। तो क्या लिख देंगे इसमें एक्स प्लस वन निम्न बहुपद का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं प्लस बना है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, पी एक्स क्या दिया है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब, थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। ठीक, एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन। ठीक, देखिए आगे क्या कहना है, ये वैल्यू फिट कर दीजिए तो पी माइनस वन इक्वल फोर है एक्स की पावर फोर, तो माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स यानी माइनस वन और प्लस वन। ठीक, और प्लस वन
अब देखिए क्या हुआ, पी माइनस वन पी माइनस वन इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया भाई, माइनस वन की पावर क्या है चार, चार एक सम संख्या, तो प्लस वन हो जाएगा ये भाई प्लस, ध्यान से देखना है यहां पे कंडीशन, प्लस माइनस वन की पावर थ्री विषम संख्या है तो माइनस वन हो रही रहेगा ये, और प्लस की माइनस से गुणा हुई तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और थ्री की वजह से थ्री बन जा थ्री यानी तीन एकम तीन, ठीक। प्लस भाई माइनस वन की पावर दो है यानी सम संख्या है, प्लस बन गया और तीन एकम तीन यानी प्लस, और प्लस 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 का तीन, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन, ठीक। देखिए दोस्तों माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल हो गया, ठीक, और माइनस वन और प्लस वन भी कैंसिल हो गया, बराबर हमारा क्या बचा वन, क्या वन, यानी कि जीरो नहीं आया, तो ये क्या है बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो क्या लिख देंगे आप एक्स प्लस वन निम्न बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक दोस्तों। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट का फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू ब्रैकेट के बाहर एक्स और प्लस रूट टू, प्लस रूट टू, ठीक भाई। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन इधर इक्वल इधर है माइनस वन, ठीक। देखिए वैल्यू फिट कर दीजिए, तो पी माइनस वन इक्वल माइनस वन का क्यूब क्यूब, ठीक, माइनस वन का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स यानी माइनस वन और प्लस रूट टू, ठीक, इक्वल विषम संख्या है माइनस वन हो जाएगा, सम संख्या है प्लस हो जाएगा माइनस, और वन का स्क्वायर वन ही रहता है, तो प्लस माइनस माइनस वन, ठीक। अब देखिए माइनस वन की पहले ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस ऐसे ही चलेगा, माइनस वन की टू से हुई तो माइनस टू, टू बन जाए टू यानी दो एकम दो माइनस दो माइनस दो, और प्लस माइनस माइनस रूट टू की वन से हुई तो रूट टू बन जा रूट टू, ठीक। इधर क्या प्लस रूट टू, ठीक। अब देखिए भाई माइनस वन माइनस वन, अब इस माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं माइनस से उसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस दो, माइनस माइनस प्लस रूट टू और प्लस रूट टू, ठीक।
देखिए भाई, माइनस वन माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस, और वन वन टू, तो माइनस का टू, माइनस का टू और प्लस टू, ठीक। और रूट टू प्लस रूट टू, तो रूट टू प्लस रूट टू कितना हुआ, जैसे भाई एक और एक दो, तो रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, भाई दो बार जोड़ दिया तो दो रूट रूट टू, तो प्लस टू रूट टू, भाई माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, बचा हमारा टू रूट टू खाली, ठीक, जो कि जीरो को बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इसलिए x प्लस वन निम्न बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों के। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल से सूखता है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों, देखिए गुणनखंड प्रमेय लागू करके, भाई गुणनखंड प्रमेय लागू करना है जैसे अब तक हम करते आए हैं, बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो वो कंडीशन, अगर पी एक्स जीरो आ जाता है, ठीक, जो हमारा बहुपद है पॉलीनोमियल, अगर वो जीरो आ जाता है तो गुणनखंड है, और जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, बस कोई आप लोग वैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, फिर भी मैं कुछ एक पार्ट तो आपके लिए मैं दूंगा घर से करने के लिए, दो पार्ट मैं बताता हूँ, ठीक, अगर आप भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे तो करवाने के दिन मैं करवा दूंगा, मैं आप ज़रा सोचेंगे समझेंगे उस चीज़ को तभी ज़्यादा ज़्यादा इसमें समझ में आएगी। आंसर फर्स्ट पार्ट देखिए, पी एक्स पी एक्स इक्वल टू, इन्होंने क्या दिया है, टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस वन, ठीक, क्यू एक्स इक्वल टू इन्होंने दिया, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस वन इक्वल क्या दे रहे हैं माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू फिट कर दीजिए बहुपद में, तो पी माइनस वन इक्वल टू माइनस, यानी टू इंटू माइनस वन का क्यूब, एक्स है ना, एक्स माइनस वन है तो माइनस वन का क्यूब, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, माइनस टू इंटू एक्स क्या है माइनस वन और माइनस वन, ठीक। देखिए दोस्तों, ये माइनस वन का क्यूब यानी विषम संख्या आ गई हमारी, ठीक,
तो माइनस वन, और वन का क्यूब बनी रहेगा, तो माइनस वन, दो एकम दो माइनस दो, ठीक भाई। माइनस वन का सम संख्या है स्क्वायर दो, तो प्लस हो गया ये, और प्लस 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 वन, ठीक। माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, प्लस का दो और माइनस वन, ठीक। क्या दिक्कत है? देखो भैया, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल हो गया, बराबर हमारा बचा जीरो। क्या बचा? जीरो। तो क्या लिख देंगे आप, जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स यानी जो क्यू एक्स एक्स प्लस वन, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ठीक। क्या है? क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका कौन सा पार्ट करवाऊं मैं आपके लिए? चलिए थर्ड पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आप घर से करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए, थर्ड पार्ट, ठीक। पी एक्स इक्वल, पी एक्स दिया उन्होंने एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सिक्स, ठीक। क्यू एक्स इजगल टू एक्स माइनस थ्री, क्या एक्स माइनस थ्री, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स माइनस थ्री इजगल टू जीरो, तो एक्स बराबर माइनस थ्री इक्वल के इधर आए तो प्लस थ्री। अब एक्स की वैल्यू जो थ्री है वह हम बहुपद यानी पॉलीनोमियल पी एक्स में क्या कर देंगे, रख देंगे यानी फिट कर देंगे, ठीक। तो पी एक्स यानी पी थ्री इक्वल एक्स क्यूब यानी थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स यानी थ्री और प्लस सिक्स, ठीक। देखिए दोस्तों, थ्री का क्यूब क्या है? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो तीन तीन नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस। थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तीन तीन नौ तिया सत्ताईस, ठीक। तीन का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर तीन इंटू तीन यानी तीन तिया नौ और नौ चौक छत्तीस, तो माइनस का छत्तीस, ठीक। प्लस और प्लस प्लस छः तीन नौ प्लस का, ठीक भाई। ट्वेंटी सेवन भी प्लस का और प्लस नाइन भी, तो प्लस और प्लस प्लस सत्ताईस में नौ जोड़ा कितना हो गया? छत्तीस हुआ ना, तो छत्तीस और माइनस छत्तीस, भाई प्लस का छत्तीस माइनस छत्तीस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया? जीरो, ठीक। तो क्या लिख देंगे? क्यू एक्स पी एक्स का क्या है, क्या है बताइए? गुणनखंड है, नहीं है? ठीक, सही बोला, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि जीरो आ गया, तो क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक। दोस्तों सर्दी में पसीना आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत हो आप मेरे मुझे बताइए, उस दिक्कत को ही पूरा करता हूँ मैं, मगर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हर एक एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपसे शिकायत फिर वही है, आप इतनी मेहनत के बावजूद खुद सोचिए, इसमें मेरा हौसला भी कम होगा ना, मैं कैसे फिर आपको समझाऊंगा? आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, ना शेयर करते हैं साहब, और ना सब्सक्राइब करते हैं, किस बात की कमी रह रही है? अरे कहीं मेरी, मैं जो आप लोगों के लिए सही गाइड करता हूँ, सही बातें बताता हूँ, आप उसका बुरा तो नहीं मानने?
अगर बुरा मान है नहीं बताऊंगा साहब, और बताइए, रहिए धोखे में आप ठीक है कहिए, ये तो हमेशा अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सर, क्या अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं साहब। अनाप शनाप जो हम बोल रहे हैं ना, ये आपको गलत लग रहा है, आज गलत लगेगा शायद, शायद आज गलत, आगे जाके आप यही कहेंगे अपने बच्चों से टीचर बहुत अच्छा है, अपने तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा, आप सुन दें अच्छा पढ़ाते हैं जे, आगे जाके आप सोचेंगे ठीक है। बिना कोचिंग के साहब, कोचिंग से ऑफलाइन से अच्छा मैं आपको टीचिंग देना, कोचिंग दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों। बस ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा मैं, आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, कुछ नहीं कुछ अच्छा गाइड नहीं करूँगा, नहीं तो मैं थोड़ा मैं गाइड भी करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, कुछ वीडियो में नहीं करूँगा ठीक है। टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए ठीक। देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है मेरी आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी ठीक, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो कि ज़रूरतमंद लोगों के पास भी जाए, और फिर मुझे भी लगे कि मेरी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है ठीक है, तो मेरा भी हौसला बढ़े ठीक है, क्योंकि मेरा बीच बीच में मैं भी हौसला मेरा डाउन होता है ठीक है, क्या मेरा जो आत्मविश्वास है ना वो थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगता है, पता नहीं साहब आप लोग मेरे साथ हैं नहीं है, मैं फिर भी मैं फिर कोशिश करता हूँ, नहीं साहब होगी देखिए जो भी होगा, तो इस भरोसे को मत तोड़िए ठीक है, बनाए रखिए, एज ए टीचर हूँ मैं आपका अध्यापक हूँ, क्या जैसा भी समझ लीजिए आप ठीक। चलिए दोस्तों चल, हम तो साहब ऐसे ही हैं सीधे साधे हैं, अरे जैसा भी आप सुनो सीधे ना टेढ़े समझ, जैसा समझ लो आप आपकी सोच है ठीक है, सिंपल है, सिंपल तो है ये साधारण ठीक है। जाने की इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत ठीक दोस्तों।